दोस्तों आज एक ऐसी डाइट की बात करने वाले हैं जिसकी जरा सी ज्यादा मात्रा होने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। और ये डाइट बड़ी आसानी से रोज कोई ना कोई डाइट हमारे साथ हमारे खाने में शामिल रहती है, तो इसको जरा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज एक ऐसी डाइट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी जरा सी भी ज्यादा तादाद होने पर उस शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकते हैं। दोस्तों सही खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को सही रखने के लिए सही डाइट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अगर डाइट अच्छी होगी तभी हमारा शरीर हेल्दी रह सकता है। तो इसलिए अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड शामिल करने चाहिए जिनकी ज्यादा तादाद शरीर को नुकसान ना दे। तो आइए चलते बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते। मेरा नाम डॉक्टर अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएमए हेल्दी लाइफ। दोस्तों सबसे पहले बात करें ग्रीन पोटैटो यानी कि हरा आलू। दोस्तों जब भी घर में आलू लाया जाता है, बाहर से बाजार से आलू लाता है, उसके अंदर एक या दो आलू जरूर ग्रीन होते हैं। तो दोस्तों इनको ना खाने में ही भलाई है, क्योंकि इसकी ज्यादा खुराक लेने से शरीर को काफी नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों ग्रीन पोटैटो का ज्यादा इस्तेमाल करने से शरीर के अंदर सिर में दर्द की शिकायत हो सकती है, उल्टी की शिकायत हो सकती है, चक्कर आने की शिकायत हो सकती है, साथ ही साथ इंटरनल ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है। इसके बाद कोमा की भी शिकायत हो सकती है, पेशेंट कोमा भी जा सकता है, और साथ ही साथ ब्रेन हेमरेज की भी शिकायत हो सकती है। दोस्तों एक स्टडी में पता चला है कि अगर 450 ग्राम से ज्यादा अगर ग्रीन पोटैटो खा लिया जाए तो उससे मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों ग्रीन पोटैटो का सेवन बहुत देखभाल के साथ करना है, कोशिश करें उसका सेवन ना करें। दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करेंगे जायफल यानी कि नटमैग। नटमैग का इस्तेमाल किचन में मसालों के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल जैसे वजन कम करने के लिए इसका इस्तेमाल स्मूदी या शेक बनाकर भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके ज्यादा इस्तेमाल करने से भी जान जा सकती है? दोस्तों 8 से 10 ग्राम तक अगर नटमैग कम इस्तेमाल करते हैं तो इसके खाने से शरीर के अंदर उल्टी की शिकायत हो सकती है, शरीर के अंदर चक्कर आने की शिकायत हो सकती है, पेट के दर्द की शिकायत हो सकती है, साथ साथ दिल मचलाने की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कम ही मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करेंगे बादाम की। दोस्तों वैसे तो बादाम का स्वाद बहुत मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन कुछ ऐसे बादाम भी होते हैं जिनका टेस्ट बहुत कड़वा होता है। तो दोस्तों ऐसे बादाम को भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी दोस्तों कड़वे बादाम के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड नाम का एक जहरीला पदार्थ होता है जिसके इस्तेमाल से जान जा सकती है। एक स्टडी के मुताबिक 6 से लेकर 10 तक अगर कड़वे बादाम खा लेते तो उससे भी जान जा सकती है। तो दोस्तों ऐसे बादामों से देखभाल कर खाना चाहिए। दोस्तों चौथे नंबर पर बात करेंगे आधे पके लाल राजमा की यानी कि रेड बीन्स, किडनी बीन्स की। अगर इनको सही से नहीं पकाया गया और उसको खा लिया गया तो उसके खाने से पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ इसके अंदर लेक्टिन नामक एक पॉइजन होता है जो कि धीरे धीरे शरीर में फैल जाता है और जिसकी वजह से भी जान जा सकती है। दोस्तों पांचवें नंबर बात करेंगे ब्राउन राइस की। ब्राउन राइस का इस्तेमाल करने से वजन भी कम हो जाता है, साथ ही साथ डायबिटीज के पेशेंट को इसको इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों व्हाइट राइस के मुकाबले ब्राउन राइस में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से भी नर्वस सिस्टम पर काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है, और साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करने से ब्रेन में बहुत सारी परेशानियां होने लगती है। तो दोस्तों इसको अगर 4 से 5 बार सही तरीके से धो लिया जाए तो इसके अंदर से आर्सेनिक की मात्रा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और ये चावल खाने लायक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।